दोस्तों, वैसे तो भारत में सबसे ज्यादा पसंदीदा खेल क्रिकेट है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पॉपुलर खेल कौन सा है? तो आपको बता दें, वह खेल है फुटबॉल, जिसे कुछ कंट्रीज में सॉकर भी कहा जाता है। और आज आप इसी गेम के बारे में कुछ फैक्ट जानने वाले हैं, जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। जैसे कि आज आपको पता चलेगा कि रोनाल्डो इतना फेमस क्यों है, और 1950 के फीफा वर्ल्ड कप में एक टीम को सिर्फ इसलिए गेम से निकाल दिया गया था क्योंकि उनके पास गेम खेलने के लिए जूता नहीं था। लेकिन वो कौन सा टीम था, वो भी आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों दुनिया भर की 70% से ज्यादा फुटबॉल खेलने वाला बॉल सिर्फ पाकिस्तान में बनता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हैंडमेड फुटबॉल बनाए जाते हैं, जो कि काफी मजबूत होते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि फुटबॉल को सॉकर क्यों कहा जाता है, वो भी सिर्फ अमेरिका और कनाडा में ही? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा इसलिए क्योंकि फुटबॉल एक यूके इंग्लिश शब्द है, जिसे यूएस इंग्लिश में सॉकर कहा जाता है। और जैसा कि हम इंडियंस ज्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश यानी कि यूके इंग्लिश बोलते हैं, इसीलिए भारत में भी फुटबॉल कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों 1950 के फीफा वर्ल्ड कप में एक टीम को सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उस टीम ने गेम खेलने के लिए जूता नहीं पहना था, और वो टीम था इंडियन फुटबॉल टीम। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों 2 मई 1964 को पीरू में मैच रेफरी के डिसीजन पर मैदान में दंगा हो गया था, जिसमें करीब 300 लोगों की मौत भी हो गई थी। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग अपने साथ फुटबॉल लेकर जाना चाहते थे, लेकिन नासा ने इसके लिए मना कर दिया, यह कहते हुए कि फुटबॉल अमेरिका का खेल नहीं है, वह किसी दूसरे देश का खेल है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों फुटबॉल गेम 476 बीसी के करीब चाइना में शुरू हुआ था, वे इसे कुजू खेल कहते थे। ये दुनिया का सबसे ज्यादा खेले जाने वाला और देखे जाने वाला खेल है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों 1998 में अफ्रीका के कांगो में हो रहे फुटबॉल मैच के बीच बिजली गिरने की वजह से करीब 11 प्लेयर्स की मौत हो गई थी, और ग्राउंड के साइड में खड़े करीब 30 लोग जख्मी भी हुए थे। फैक्ट नंबर 8, एवरेज किसी भी फुटबॉल मैच में फुटबॉल कीपर को छोड़कर बाकी सभी प्लेयर्स करीब 10 से 12 किलोमीटर तक भागते हैं, हर एक प्लेयर 10 से 12 किलोमीटर। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों पहले बास्केटबॉल भी फुटबॉल से ही खेला जाता था, लेकिन बाद में उसके लिए एक सेपरेट बॉल बना दिया गया। दोस्तों फैक्ट नंबर 10 जानने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे ही धमाकेदार वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों क्या आपको पता है कि रोनाल्डो इतना फेमस क्यों है? वैसे ये सवाल ही बेकार है, क्योंकि रोनाल्डो का खेलने का तरीका इतना रफ्तार और हारते हुए गेम को एक नई दिशा में लेकर जाना, यही उनको इतना फेमस बनाता है। लेकिन अगर लॉजिकली देखे तो रोनाल्डो का फुटबॉल के लिए इतना प्यार है कि 15 साल की उम्र में उनका मेजर हार्ट सर्जरी हुआ था और उनको फुटबॉल खेलने से रोका गया था, लेकिन उन्होंने फुटबॉल करियर को कंटिन्यू रखा, और उन्होंने अपने शरीर में एक भी टैटू नहीं बनवाया है ताकि वह ब्लड डोनेशन कर सके। वैसे तो ये बहुत ही प्रोफेशनल प्लेयर हैं, और उन्होंने 31 मेजर ट्रॉफी जीते हैं, जिनमें से 7 लीग टाइटल्स, 5 यूएफा चैंपियंस लीग, 1 यूएफा यूरोपियन चैंपियनशिप, 1 यूएफा नेशंस लीग टाइटल, और उन्होंने 134 गोल किया है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है हाईएस्ट गोल का। और उन्होंने कुछ मैच में तो ऐसा खेला है कि हर एक मिनट में गोल किया है। दोस्तों इसीलिए रोनाल्डो इतना फेमस है। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है। और